नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। बिहार के नवादा में दलितों के 80 घर जलाने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद को लेकर कई मकानों में आग लगा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा की घटना की निंदा की है। सीएम ने सभी संदिग्धों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आदेश दिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के पूर्णिया रेंज के आईजी पद पर तैनात चर्चित आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी अतिशी। अतिशी के साथ दिल्ली में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत भी इस दौरान कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। मुकेश अहलावत सुल्तानपुरी से विधायक हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अखिलेश यादव ने किया बहराइच में भेड़िए के हमले में मृतक परिवारों को 50,000 रुपये देने का ऐलान। अखिलेश बोले, एसटीएफ को भेड़िए की जिम्मेदारी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार दहशतगर्दी के बिना हुआ चुनाव, श्रीनगर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान मिली धमकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। प्रधानमंत्री का मौन, बड़े षड्यंत्र पर सुकृति की मोहर, नवादा अग्निकांड पर बोले राहुल गांधी। आज राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 73,202 रुपये, जबकि चांदी का भाव 88,275 रुपये। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाशिम बाबा के शूटर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में पुलिस ने अनस और असद नाम के दो शूटरों के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। ये दोनों ही शूटर हाशिम बाबा गैंग के बताए जा रहे हैं। हाशिम बाबा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के जिम मालिक नादिर शाह हत्याकांड में शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपीएसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर हाशिम बाबा के चार शूटरों को धर दबोचा। उनके कब्जे से चोरी की कारें भी पुलिस ने जब्त की है। यह मुठभेड़ खतौली कोतवाली क्षेत्र में हुई। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मुनि रत्ना के खिलाफ दर्ज हुआ रेप का मामला। हिजबुल्ला के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने दी सहमति, बोले हिजबुल्ला को बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत बांग्लादेश के बीच आज से चेन्नई में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। सिंगर हिमेश रेशमिया के पिता का 87 साल की उम्र में हुआ निधन। कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट, कटरा में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पटना के जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए का छापा। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाकों से दहशत में लोग, मोबाइल नहीं छू रहे। हिजबुल्ला ने कहा, बैटरी निकाल कर फेंक दे, 32 की मौत, 3500 लोग घायल। ट्रंप बोले, मोदी शानदार व्यक्ति, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। कहा, भारत इंपोर्ट पर ज्यादा लगाता है टैक्स, व्यापार संबंधों पर इसका गलत इस्तेमाल होता है। ये थी देश दुनिया की ताजा खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की ताजा खबरों की। हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया 20 सूत्रीय संकल्प पत्र। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे प्रति महीने 2100 रुपए। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, तमाम चुनावी वायदे शामिल। पलवल में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, छोटे तस्करों को नशीले पदार्थ बेचते थे, एक साल से पुलिस को दे रहे थे चकमा। हरियाणा कांग्रेस के कैंडिडेट को भाषण देने से रोका, मंच पर पकड़ा नेता का हाथ, बोला, तुझे वोट दिया, तूने पर्ची पर साइन तक नहीं किया था। हरियाणा में हिसार जिले की बरवाला विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास घोघेड़ा को विरोध का सामना करना पड़ा। घोड़ेला गांव जुगलान में सभा को संबोधित करने गए थे। जैसे ही घोड़ेला बोलने लगे, एक व्यक्ति उनके पास जा पहुंचा और कहा कि पिछली बार तुझे वोट दिया था, तूने पर्ची पर साइन नहीं किए। शैलजा की चुप्पी से हरियाणा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, टिकट वितरण और जातिगत टिप्पणी से नाराज, प्रचार में नहीं आ रही नजर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पोर्टल चालू, लिस्ट में हिसार के 72 गांव का नाम शामिल, 30 सितंबर तक होंगे आवेदन। फरीदाबाद में हनी ट्रैप में फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पैसे ऐंठने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पलवल में मामूली कहासुनी पर युवक को मारी गोली, गोवर्धन परिक्रमा के जाते समय दोस्त से हुआ विवाद, हत्या के प्रयास का केस। हरियाणा के पलवल जिले में गोवर्धन की परिक्रमा को जा रहे युवकों पर पहले हवाई फायर किया गया,
विरोध करने पर सीधी गोली मारकर घायल कर दिया। गोली मारने के बाद आरोपी गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गया। होडल थाना पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ थी देश जुड़े खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।